काँग्रेस पक्षाचे माजी प्रदेश सचिव नरेंद्र जिचकार यांची जन आशीर्वाद यात्रा मंगळवारपासून नागपुरात सुरू झाली असून आज यात्रेचा 5वा दिवस आहे. त्यांना मोठ्या संख्येत नागरिकांचा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आज पश्चिम नागपूर सदर गांधी पुतळा परिसरात यात्रा सुरू झाली असून नरेंद्र जिचकार यांनी घरोघरी जाऊन जनतेचा आशीर्वाद घेतला. नवा नेतृत्व नवे विश्वास नवा मार्गरत हाक तुमची मार्गरत हाक तुमची सुसंवाद आवाज नवा साथ तुमची हात तुमचा जनकल्याणाची भावना शुभेच्छा नव वर्षाच्या सुख समृद्धीची प्रार्थना आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा नम्र आणि विवेकशील उच्च शिक्षित तर्कशील संधी रोजगार नवा उंच भरारी उद्योगशील न्यायाची रे नित्य भाषा दिन दुबळ्यांची सांत्वना शुभेच्छा नव वर्षाच्या सुख समृद्धीची प्रार्थना आशीर्वाद यात्रा जन आशीर्वाद गलत तो हुआ है. उदयपुर जो अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन लागू करने के लिए आवाज़ नरूभाव जिचकार जी ने उठाया था. तो हमारी यही सोच है जो युवाओं को युवाओं के साथ जो नरूभाव के साथ हुआ वो कल जाके हमारे साथ भी हो सकता है. तो वो गलत चीज़ है. वो गलत चीज़ के लिए नरूभाव जिचकार ने आवाज़ उठाया. वो सही काम किया था और आने वाले काल में आवाज़ वो उठाते रहेंगे और हम उनके साथ यूथ कांग्रेस जो भी मेरी विंग है वो विंग के साथ हम नरूभाव जिचकार के साथ हम साथ में है. अभी भी सही है और सही रहेंगे. उनके साथ तो कुछ अलग ही हुआ लेकिन जो वो अपना सोशल वर्कर है तो अपना सब बराबर ही करते हैं. जो गलत हुआ वो ऐसा है कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो उसमें कम से कम कांग्रेस के साथ एकजुट बना के रखना चाहिए जिससे कांग्रेस को नुकसान न हो. हम भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं. मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र जिचकार साहब और सब एक साथ एकजुट काम करें. मेरा नाम वैष्णवी भारद्वाज है और मैं एक भारत यात्री हूँ. साथ ही में मैं NSCI में भी काम करती हूँ नेशनल स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे. साथ ही मैं एक बताना चाहूँगी जो ये जन आशीर्वाद यात्रा आज नरू दादा जिचकार के मतलब लीडरशिप में निकाली जा रही है कहीं ना कहीं ये लोगों तक पहुँच रही है. लोगों की समस्याओं को जानने के लिए ये यात्रा बहुत ज़रूरी थी जो कि कांग्रेस पार्टी के हम बोल सकते हैं कि ठीक है निकाल दिया गया है पर दिल से वो कांग्रेसी है. सभी कांग्रेसी यहाँ पे जितने भी दिल से हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा काम कर रही है युवाओं तक पहुँचने का और लोगों की समस्याओं तक पहुँचने का. थैंक यू.